हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू TGS ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, टुडेज आवर सब्जेक्ट इज मैथ। नाउ ओपन योर मैथ बुक पेज नंबर 50 एंड आवर टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है? कट करना, यानी कि माइनस करना। और जो इसका सिंबल होता है, ये स्मॉल सी स्लैंट लाइन होती है, ये होता है सब्ट्रैक्शन का सिंबल। ओके, माइनस करना क्या होता है? मैंने आप सारे बेबीज को एडिशन बताया हुआ था कि अगर मैं आपको टू टॉफीज देती हूँ, फिर मैं थोड़ी देर बाद टू टॉफीज और देती हूँ, तो आपके पास टोटल कितनी हो जाएंगी? फोर टॉफीज हो जाएंगी। यहाँ पे क्या हो गया? थिंग्स आपकी मोर, यानी कि बढ़ गई। टॉफी आपकी क्या थी? बढ़ गई। अब देखो, सब्ट्रैक्ट करना क्या होता है? मैं आपको टू टॉफी देती हूँ और टू में से वन मैं रिटर्न ले लेती हूँ, तो आपके पास टॉफी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी कि लेस हो जाएगी। तो जो सब्ट्रैक्शन होता है, उसमें जो बिग डिजिट होता है, उसमें से स्मॉल डिजिट को हम क्या करते हैं? लेस कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस ट्री हैज़ 5 मैंगोज़। अब देखिए, यहाँ पे ये ट्री है जिसमें कितने मैंगोज़ हैं? 1, 2, 3, 4, 5 5 मैंगोज़ हैं। इसमें से 2 मैंगोज़ ये स्क्वायरल ने ले लिए। देखिए, अ स्क्वायरल कम्स एंड टेक 2 मैंगोज़ अवे। एक स्क्वायरल आई और उसने इससे 2 मैंगो ले लिए। अब यहाँ पे 5 थे, उसने 2 ले लिए, तो अब ट्री पे कितने बचे? 1, 2, 3। यहाँ पे कितने मैंगो बचे? 3। तो क्या हुआ? यहाँ से ये मैंगो कम हुए ना। अगर हमसे कोई चीज़ ले ली जाएगी तो वो कम हो जाएगी ना, तो वो होता है आपका सब्ट्रैक, यानी कि लेस करना। नाउ नेक्स्ट, हाउ मैनी मैंगोज आर लेफ्ट ऑन द ट्री? वही चीज़ है, यहाँ पे देखिए 5 मैंगोज थे, स्क्वायरल ने 2 मैंगोज ले लिए, तो यहाँ पे कितने बचे? 3। यानी कि ट्री से 2 मैंगोज हमने क्या किए? लेस कर दिए। क्या किए? लेस कर दिए। ठीक है, तो जो सब्ट्रैक्शन का सिंबल होता है, ये देखिए, ये सब्ट्रैक्शन का सिंबल है जिसको बोलते हैं माइनस। जैसे एडिशन के सिंबल को बोलते हैं प्लस, वैसे ही सब्ट्रैक्शन के सिंबल को बोलते हैं माइनस। ओके, सो नाउ लुक एट योर एक्सरसाइज। ऑब्जर्व द सब्ट्रैक्ट एट द फॉलोइंग। अब देखिए, यहाँ पे 5 गिफ्ट्स थे, ठीक है, 5 में से क्या किए? 3 ले लिए गए, 3 जो थे गिफ्ट माइनस कर दिए गए। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1, 2, 3 3 गिफ्ट हमने इसमें से माइनस कर दिए। अब हमारे कितने गिफ्ट बचे? 2। ये देखिए, यहाँ पे आपका 2 आंसर आ गया। ओके, फिर देखिए यहाँ पे कितने बलून से? 1, 2, 3 3 बलून से। फिर 1 बलून क्या किया? ले लिया गया। यहाँ पे कितने बचे? 2। यहाँ पे हमें क्या आंसर राइट करना है? 2। फिर देखिए यहाँ पे कितनी काइट्स हैं काउंटेड? 1, 2, 3, 4 4 काइट्स हैं। और यहाँ पे कितनी है? 1। अब ये 4 में से हमने 1 काइट जो है क्रॉस कर दी, माइनस कर दी, कितने बचे? 1, 2, 3 टोटल आंसर क्या आया हमारा? 3। देखिए, 1 हमारी ये काइट ले ली गई, तो यहाँ कितनी बची? 3। फिर देखिए यहाँ पे कितनी बटरफ्लाइज हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 5 है। अब हमें क्या करना है? 7 बटरफ्लाइज में से 5 बटरफ्लाइज हमारी उड़ गई, तो अब हमें 7 में से 5 माइनस करना है, तो हम यहाँ पे 5 बटरफ्लाइज को क्या करेंगे? कट कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास कितनी बटरफ्लाइज बची हैं? 2। द आंसर इज 2। फिर देखिए यहाँ पे ग्लास कितने, सो काउंटेड, 1, 2, 3, 4, 5 देयर आर 5 ग्लासेस, 1, 2, 3, 4 देयर आर 4 ग्लासेस। अब हमें 5 ग्लासेस में से 4 को माइनस करना है, यानी कि 5 ग्लासेस में से 4 हमसे ले लिए जाएं, तो 1, 2, 3, 4 4 ले लिए गए। कितना बचा? 1 रिमेनिंग बचा। द आंसर इज 1। फिर यहाँ पे कितने फ्लैग्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 फ्लैग्स हैं। यहाँ पे 1, 2 यहाँ पे 2 फ्लैग्स हैं। 6 में से 2 फ्लैग्स हमसे ले लिए जाएँ, तो 1, 2 हमसे ले लिए गए। कितने बचे? 1, 2, 3, 4 4 फ्लैग्स हमारे रिमेनिंग है, सो द आंसर इज 4। ओके, सो स्टूडेंट, कंप्लीट दिस वर्क इन योर मैथ बुक पेज नंबर 51। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन विद जीरो। नाउ लुक एट योर मैथ बुक पेज नंबर 53। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट जीरो फ्रॉम अ नंबर, वी गेट द सेम नंबर बैक। जैसा कि मैंने बताया हुआ था कि जब भी आप जीरो से कोई भी नंबर ऐड करते हो, तो हमें वही नंबर मिलता है जिस नंबर को हम ऐड कर रहे होते हैं। मीन्स, अब जैसे मैंने आपको 4 टॉफ़ी दी और मैं आपसे एक भी वापस ना लूँ, तो आपके पास कितनी रहेंगी? 4 ही रहेंगी। उसी तरह से जीरो
आपको सब्ट्रैक्ट करने में भी होता है। यहाँ पे फोर बॉयज़ हैं, फोर में से जीरो अगर आप माइनस करते हो यानी कि एक भी बॉय इधर नहीं आया है, तो यहाँ पे कितने रहेंगे? फोर ही रहेंगे। तो जिस डिजिट से भी हम जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं हमें वही नंबर वापस मिलता है। मीन्स देखिए यहाँ पे कितनी क्लॉक्स है, काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 क्लॉक्स है, यहाँ पे एक भी नहीं है, जीरो। अब जब पूरी की पूरी 9 क्लॉक्स हैं और एक भी क्लॉक वापस हमसे रिटर्न नहीं ली गई, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास कितनी बचेंगी? 9, क्योंकि यहाँ पे 9 था, एक भी क्लॉक हमसे लिए ही नहीं गया, तो हमारे पास कितना रहेगा? 9, क्योंकि जीरो का मीन्स होता है नथिंग, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। अगर आप जीरो में कुछ भी डिजिट ऐड करते हो तो जो डिजिट हम ऐड करें हमारा वही आंसर आ जाता है। उसी तरह से जीरो में जब भी हम कुछ माइनस करते हैं तो वही डिजिट वापस आ जाता है जिसको हम माइनस कर रहे होते हैं। नाउ नेक्स्ट, काउंट इट, 1 2 3 4, देयर आर 4 बैग्स। अब यहाँ पे कितने? जीरो। एक भी बैग जब आपसे नहीं लिया गया तो यहाँ पे कितने बचेंगे? 4। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 कैरेट्स। फिर यहाँ पे आपसे एक भी कैरेट रिटर्न नहीं ली गई तो यहाँ पे कितना हो गया? 0। एंड 0 जब आपसे ली नहीं गई तो आपके पास कितनी रहेंगी? 6 ही रहेंगी। ओके, तो ये हो गया आपका जीरो से सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट विथ जीरो। अगर आप प्लस करते हो तो भी हमें वही डिजिट बैक मिलता है, अगर आप माइनस करते हो तो भी हमें वही डिजिट बैक मिलता है। नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे हमें सब्ट्रैक्शन कैसे करना है वो हम प्रैक्टिस करेंगे। लेट सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5 यूजिंग द नंबर लाइन। 5 में से हमें 2 माइनस करना है नंबर लाइन का यूज़ करके। बिगिन फ्रॉम 0, टेक 5 स्टेप अहेड। सबसे पहले हमें 5 में से करना है तो 0 से हमें 5 स्टेप आगे जाना है। यू विल रीच एट 5, तो आप कहाँ पहुँचोगे? 5 पे। देखिए 0 से 5 स्टेप आगे गया तो कितना हो गया? 5 पे पहुँचे। फ्रॉम 5 जम्प बैक फॉरवर्ड 2 टाइम्स। अब क्या था, कितने स्टेप हमें रिटर्न होने हैं? 2 स्टेप। तो हम क्या करेंगे? 2 स्टेप रिटर्न आ जाएंगे। नाउ यू विल रीच एट 3। अब हम कहाँ पहुँच गए? 3 पे। यानी कि पहले हमने 5 पे जब नंबर लाइन हमें जो दिया गया उस पर पहले हमने जंप किया नंबर 5 पे। नंबर 5 से हमें 2 स्टेप बैक आना था तो हम 2 स्टेप बैक आए तो हमें कौन सा डिजिट मिला? 3। लाइक दिस हमें ये करना है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या दिया गया है? 9। तो हमें 0 से 9 पे जंप करना है। देन हमें कितने स्टेप बैक आना है? 5 स्टेप बैक आना है। सो 1 2 3 4 एंड 5। जब हम 5 स्टेप बैक आ गए तो हमें कौन सा डिजिट मिला? 4। द आंसर इज 4। यानी कि पहले हमने 9 पे जंप किया, देन जो स्टेप हमें दिए गए हमने उतने स्टेप बैक ले लिए, तो जो डिजिट हमें मिला वो हमारा आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट, देखिए 0 से 5 पे जंप करना है, सो 5 से हमें 4 स्टेप बैक आना है, सो 1 2 3 4। हमें कौन सा डिजिट मिला? 1। द आंसर इज 1। ओके, नाउ नेक्स्ट, 6 पे हमें जंप करना है, तो 1 से हमने 6 पे जंप किया 0 से, देन हमें 1 स्टेप बैक आना है, 1 स्टेप हम बैक आ गए तो हमें क्या आंसर मिला? 5। द आंसर इज 5। नाउ नेक्स्ट, 4 पे तो 0 टू 4 जंप करेंगे, देन हमें 2 स्टेप बैक आना है, 1 2। द आंसर इज 2। ओके स्टूडेंट, सो कंप्लीट दिस वर्क, पेज नंबर 53 एंड 54, एंड कंप्लीट योर मैथ बुक पेज नंबर 51। थैंक यू।